वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यार आज हम बात करने वाले अपने तीन नए इंडियन गेम्स के बारे में, जो कि यार मेरे को बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल होने वाला है एंड 2022 के सबसे बेस्ट बैटल रॉयल गेम में वो मतलब आगे चल के होने वाले हैं। तो यार मैं बात कर रहा हूँ तीन नए इंडियन गेम्स के बारे में जो कि 2022 में हमें देखने के लिए मिल जाएंगे एंड साथ ही साथ भाई वो बहुत ही धमाकेदार एंड नेक्स्ट लेवल बैटल रॉयल एंड मल्टीप्लेयर गेम्स होने वाले हैं। तो यार आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं तीनों गेम्स के बारे में कि भाई उन तीनों गेम्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको पहले से पता होगा तो आपको इसमें मैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देने वालों फर्दर इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि मैं आपको रिलीज डेट वगैरह मतलब उसके बारे में बात करने वाला हूं। आपको मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बट एक्सपेक्टेड रिलीज डेट में इन गेम्स की बताने वाला हूं एंड गाइस साथ ही साथ एंड इन गेम्स के गाइस फीचर्स वगैरह क्या-क्या होने वाले हैं, क्या-क्या होएगा इन गेम्स में वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। तो फिर यार चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पे कर लेना ऐसी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। सो फिर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले गाइस हम बात कर लेते हैं अपने वैक्स मोबाइल गेम के बारे में। तो यार वैक्स मोबाइल जो गेम है ना गाइस वो इंडिया का ही गेम होने वाला है, जिसको कि डेवलप कर रहे हैं दो बंदे। तो यार वैक्स मोबाइल के ऊपर मैंने फुल डिटेल्ड एंड फुल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो गाइस कल बनाई थी, कल डाली थी, उसमें मैंने सभी कुछ बताया वैक्स मोबाइल से मतलब ए टू जेड शुरू से लेकर एंड तक एंड उसके रिलीज डेट वगैरह सभी कुछ उसमें बताई है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो डिटेल के लिए। एंड भाई अगर आपको अभी शॉर्ट में समझाऊं तो यार मैं वैक्स मोबाइल के बारे में यही बताना चाहता हूं, बैकग्राउंड में गेम प्ले वगैरह चल रहा होगा वैक्स मोबाइल का, कि वैक्स मोबाइल गाइस हमें कब देखने के लिए मिलेगा। तो बता दूं आपको गाइस जनवरी स्टार्ट हो चुका है एंड सबसे पहले इसका एक अल्फा वर्जन आएगा जो सबको नहीं मिलेगा, कुछ ही बंदों को मिलेगा, शायद मेरे को मिल जाए पक्का नहीं पता। एंड उसके बाद गाइस एक बीटा वर्जन आएगा जिसको कि शायद सब खेल पाएंगे। तो यार जो इनका बीटा वर्जन आएगा ना, उस बीटा वर्जन में आपको गाइस मल्टीप्लेयर मोड तो देखने के लिए मिलेगा ही, टीम डेथ मैच वगैरह, एंड उसके साथ ही साथ गाइस आपको बैटल रॉयल मोड भी देखने के लिए मिलेगा। तो अभी बात कर लेते हैं गाइस कब तक हमें ये गेम देखने के लिए वैक्स मोबाइल का बीटा वर्जन सभी के लिए देखने के लिए मिल सकता है। तो यार मतलब थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट वगैरह भी मैंने उनसे करा था, जिसके हिसाब से मतलब पता चला है कि यार फरवरी या मार्च तक गाइस आपको बीटा वर्जन देखने के लिए मिल सकता है एंड उससे 15 या 20 दिन पहले गाइस आपको अल्फा वर्जन देखने के लिए मिलेगा, मतलब जिसमें कि सब बंदे टेस्ट नहीं करेंगे, कुछ ही बंदे टेस्ट करेंगे एंड उनके मतलब थोड़ा बहुत फिक्स वगैरह करके 15 या 20 दिन बाद यहां पर से बीटा वर्जन आ जाएगा। तो आप मान के चल सकते हो फरवरी में वगैरह में आपको अल्फा वर्जन देखने के लिए मिल जाए एंड फरवरी के एंड तक या मार्च के स्टार्ट तक आपको गेम भी देखने के लिए मिल जाए बीटा वर्जन, जो इसको सभी खेल पाएंगे। सो अगर मेरे को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, गेम प्ले वगैरह आपको चैनल पे मिल जाएंगे। सो अभी बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट गेम के बारे में, जिसका कि नाम है गाइस यहां पर से हिंद वारफेयर मोबाइल। हिंद वारफेयर है गेम का नाम, मोबाइल नहीं है, जिसको कि डेवलप्ड कर रही है मॉन्स्टर बनी स्टूडियोज, जिसको कि डेवलप कर रही है इनकी टीम्स वगैरह में भी काफी अच्छे अच्छे मेंबर्स हैं जो कि मतलब गेम को डेवलप कर रहे हैं एंड अभी तक कोई बिल्कुल ही मतलब प्रॉपर टाइप का गेम प्ले अभी इनकी तरफ से नहीं आया, अभी सिनेमैटिक्स वगैरह आए हैं। तो अभी इनकी तरफ से कोई प्रॉपर गेम प्लेस वगैरह नहीं आए हैं, मतलब अभी बस मतलब ट्रेलर वगैरह या फिर सिनेमैटिक्स वगैरह आए हैं, बट उनमें कहीं कहीं पर मतलब ट्रेलर मतलब ऑफिशियल गेम प्ले भी इंक्लूड है, मतलब आपको कहीं कहीं पे ऑफिशियल जो गेम प्ले जैसा होने वाला है एक्चुअल गेम प्ले उसकी कहीं कहीं पे मतलब क्लिप्स भी मौजूद हैं सिनेमैटिक्स वगैरह ट्रेलर वगैरह में। तो गाइस बैकग्राउंड में सभी कुछ चलता रहेगा सिनेमैटिक्स वगैरह एंड वो सब वगैरह। तो गाइस मैं आपको बता दूं आपको अपने इस गेम में मतलब हिंद वारफेयर जो कि इंडिया का गेम होने वाला है इसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, मतलब क्या क्या मोड देखने के मिलेंगे तो आपको मैं बता देता हूं। तो इनकी वेबसाइट पे मतलब अगर आप जाओगे ना, इनकी वेबसाइट भी आपको मैं बता दूं hindwarfare.com/hash इनकी वेबसाइट है, जिस पर अगर आप जाते तो गाइस यहां पर से आपको इसमें बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले टॉप मेन्यू में वेबसाइट है जो उनकी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, टॉप है एंड उसमें गाइस आपको गेट रेडी टू फाइट अवेलेबल सून ऑन एपिक गेम्स स्टीम एंड प्ले स्टोर। तो यार समझ रहे हो एपिक गेम्स होता है वो होता है गाइस पीसी का प्लेटफॉर्म, जिससे आप पीसी में गेम्स वगैरह इंस्टॉल वगैरह कर सकते हो, परचेज वगैरह कर सकते हो, फ्री गेम जो भी हो सब कुछ आपको मतलब प्ले स्टोर टाइप मान लो आप एपिक गेम्स को। एंड यहां पर से स्टीम भी उसी तरीके की है, एक स्टीम जैसे प्ले स्टोर की तरह है एंड स्टीम भी उसी की तरह है, मतलब पीसी के लिए स्टीम भी उसी की तरह है। तो ये स्टीम पे भी अवेलेबल होगा, मतलब ये पीसी के लिए भी आने वाला है या फिर हो सकता है एंड्रॉयड वर्जन ही कुछ मतलब पीसी के लिए भी ये निकाले क्रॉस प्लेटफॉर्म करके कुछ यो भी हो, पर मेरे हिसाब से इसका पीसी वर्जन भी आएगा जो कि स्टीम वगैरह पे एंड एपिक गेम्स पे होगा एंड मोबाइल वर्जन तो इसका गाइज आएगा, जिसका कि आप प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जाकर आपको प्ले स्टोर में जाना, सर्च मार देना हिंद वारफेयर वो गेम आ जाएगा, उसका आप प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो अभी आपको बता देता हूं इसमें क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा। अबाउट द गेम आप इनकी वेबसाइट वगैरह पर पढ़ सकते हो, गेम मोड में बता देता हूं क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेंगे जब ये गेम हमें देखने के लिए मिलेगा। तो गेम मोड्स में हम चले जाते हैं, तो यहां पर से इसमें टीम डेथ मैच मोड देखने के लिए मिलेगा आपको, साथ ही साथ यहां पर से कैप्चर द फ्लैग देखने के लिए मिलेगा, कैप्चर द फ्लैग मोड जिसमें कि हमें फ्लैग कैप्चर करने होते हैं अपोनेंट एंड अपनी टीम को, जिस जो ज्यादा फ्लैग कैप्चर कर पाता है वो विन करता है। एंड उसी के बाद यहां पर से फ्री फॉर ऑल मोड भी देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि मतलब सोलो सोलो सब बंदे होंगे एंड आपस में बजाओ एंड जिसका ज्यादा स्कोर होगा वो यहां पर से जीत जाएगा। एंड उसी के बाद बात करें तो बॉम्ब डिफ्यूजल ये मोड भी इसमें आएगा, जो कि आपको ये सारे मोड आपने पहले
पहले ही सुने होंगे, बॉम्ब डिफ्यूज एंड प्लांट वाला मोड आपको पता ही होगा क्या होता है, जिसमें कि यार मतलब आपको कुछ राउंड दिए जाते हैं प्लांट करने के लिए एंड कुछ राउंड आपको दिए जाते हैं जिसमें आप सर्वाइव वो डिफेंड करते हो एंड कुछ राउंड में आप अटैक करते हो। अटैक राउंड में आपको बॉम्ब प्लांट करना होता है एंड डिफेंडर जो होते हैं उनको बॉम्ब डिफ्यूज करना होता है या फिर सारे प्लेयर मार के डिफ्यूज करना होता है, ऐसे होता है। एंड इसका ही उल्टा हो जाता है जब आप मतलब डिफेंडर बन जाते हो। इस गेम के जो कैरेक्टर्स वगैरह होने वाले वो बिल्कुल इंडियन होने वाले हैं एंड सभी गेम्स के कैरेक्टर मैं आपको दिखा भी देता हूं। एंड सबसे पहला जो कैरेक्टर होने वाला है जिसका कि नाम होगा अभीक एंड उसके बाद जो अगला कैरेक्टर होगा उसका नाम होगा फतेह एंड अगला कैरेक्टर जो होगा उसका नाम होगा जटायु एंड उससे अगले कैरेक्टर की बात करें तो उसका नाम होगा शरीका। एक बार मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इसका नाम शकीरा बोल दिया था बट इसका नाम सरीका है या फिर आप सारिका भी बोल सकते हो, कन्फर्म नहीं पता अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। एंड उसी के बाद भाई अगला जो कैरेक्टर है वो होने वाला है रुद्रा एंड जो उसके अगला कैरेक्टर होने वाला है वो होने वाला है वाजी। सभी की यार मतलब इन्होंने ना अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे इनके कैरेक्टर्स मॉडल वगैरह भी अपलोड वगैरह कर रखे हैं, इमेजेस वगैरह दिखा रखे हैं, वहां से भी मैं आपको दिखा दूंगा और वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगे। सो अभी बात कर लेते हैं इस गेम के बारे में कि हमें कब देखने के लिए मिलेगा, कब तक आएगा। तो यार दिसंबर के एंड मतलब इनकी जो बातचीत हुई ना कि मतलब जिससे पहले ये कन्फर्म हो रखा था, मतलब कन्फर्म हो रहा था कि नवंबर के एंड में या फिर दिसंबर के स्टार्ट में हमें इसके मतलब बीटा वगैरह कुछ देखने के लिए मिल जाए, बट पूरे दिसंबर कुछ नहीं हुआ, नवंबर कुछ नहीं हुआ एंड नवंबर या दिसंबर में एक अनाउंसमेंट वगैरह इन्होंने करी थी कि अब हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं गेम को लॉन्च करने के। तो यार इन्होंने ये अनाउंसमेंट करने के बाद अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है, बहुत टाइम हो गया उस अनाउंसमेंट को भी, बहुत टाइम हो गया उस अनाउंसमेंट को भी एंड उस अनाउंसमेंट को देखने के बाद तो भाई यही लग रहा था कि भाई अब तो बहुत ही जल्दी ये गेम लॉन्च होने वाला है, बट अभी तक कोई इनकी उस अनाउंसमेंट के बारे में कुछ अभी तक नहीं आया। मैंने इनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी बट रिप्लाई वगैरह मेरे को नहीं मिल रहा है। अब मैं इस गेम के बारे में बताऊं अपने उससे, तो यार मेरे को जहां तक लगता है जनवरी या फरवरी के मंथ में हमें इससे रिलेटेड भी गाइस कुछ अनाउंसमेंट वगैरह या फिर कुछ गेम से रिलेटेड चीज देखने के लिए मिल जाएगी। हो सकता है गेम भी देखने के लिए मिल जाए बट जनवरी या फरवरी के मंथ में इससे रिलेटेड गाइस हमें कंफर्म कुछ ना कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, हो सकता है गेम भी देखने के लिए मिल जाए। एंड गाइस इनके चैनल पे इन्होंने अपना स्टूडियो भी अपलोड करा था, मतलब इनके स्टूडियो में जहां पर काम वगैरह होता है तो वो भी आप देख सकते हो हिंद वारफेयर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सो अभी हम बात कर लेते हैं गाइस अपने लास्ट एंड फाइनल गेम के बारे में जो कि इंडिया का होने वाला है। एंड गाइस ये नहीं है कि बस ये तीन ही गेम है जो इंडिया के आ रहे हैं, अभी और भी गेम्स है भाई। मैं सारे गेम्स को एक वीडियो में कवर नहीं कर रहा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो जाएगी एंड भाई बहुत बंदे देखे ना देखे। तो अभी बात कर लेते हैं गाइस अपने थर्ड गेम के बारे में जो कि है साइको मोबाइल, जिसकी स्पेलिंग है SICO, जिसको प्रोनाउंस करते हैं साइको, ऐसा उन्होंने बताया जिनका ये गेम है। तो अभी साइको मोबाइल के बारे में मैं आपको बताऊं तो गाइज क्या हुआ, साइको मोबाइल पिछले साल आया था गाइज, जिसका कि बीटा वर्जन आया था, जिसमें कि गाइज आपको इंडियन कैरेक्टर्स ही देखने के लिए मिलेंगे सब कुछ एंड आपको मैप्स वगैरह भी मतलब तगड़े तगड़े इंडिया के ही देखने के लिए मिलेंगे एंड मतलब कुछ स्पिरिचुअल मैप्स टाइप भी मतलब उसमें बिल्डिंग वगैरह होंगी, मतलब ये मूर्ति वगैरह होंगी, ऐसी स्थिति थी उसमें। बट गाइज ये पिछले साल आया था गेम, बस इसका बीटा वर्जन आया एंड जैसे ही ये मतलब गेम आया तो काफ़ी ज़्यादा इन पर लोड वगैरह पड़ा सर्वर वगैरह पे, तो इतना अच्छा वर्क नहीं करा एंड गेम भी इतना अच्छा साबित नहीं हुआ। एक या दो दिन बाद ये बिल्कुल ही बंद हो गया था, फिर इन्होंने बंद कर दिया एंड उसके बाद से अभी तक कुछ भी अनाउंस मतलब कुछ भी उससे रिलेटेड नहीं आया है। बट अब कुछ दिन पहले ही यहाँ पर से कुछ इन्होंने मतलब वीडियोज़ वगैरह शेयर करी थी जिसमें कि इन्होंने न्यू मैप्स के लुक वगैरह दिखाए थे एंड मतलब न्यू मैप्स के लुक वगैरह दिखाए हैं एंड थोड़ा बहुत चीज़ें बताई हैं वो सब वगैरह दिखाई थी, जिससे रिलेटेड मतलब जिसको देखने के बाद अब साइको भी मतलब 2.0 बन के आएगा। मतलब मेरे हिसाब से अब साइको मोबाइल 2.0 बन के आने वाला है, मतलब बिल्कुल तगड़ा होके आने वाला है। अब कब तक ये वाला गेम हमें देखने के लिए मिलेगा तो अभी मतलब मैंने थोड़ा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी जिससे मेरे को पता चला कि अभी ना बिल्कुल ही मतलब तगड़ा ध्यान लगा रखा है गेम, मतलब गेम की डेवलपमेंट में पूरी सभी टीम लगी पड़ी है बिल्कुल अच्छी तरीके से गेम के डेवलपमेंट में एंड बहुत ही जल्द हमें इससे रिलेटेड भी कुछ मतलब गेम से रिलेटेड अनाउंसमेंट वगैरह देखने को मिल सकती है। तो मान के चलो जनवरी का जो मंथ है गाइस, जनवरी के मिड वगैरह में आपको कुछ अनाउंसमेंट वगैरह गेम की तरफ से ऑफिशियल वालों की तरफ से देखने के लिए मिल सकती है और आने वाले तीन महीने या फिर जनवरी फरवरी मार्च उसमें गाइस आपको कंफर्म अपना साइको मोबाइल भी गेम देखने के लिए मिल जाएगा। ये मेरी बात वगैरह भी उनसे हुई है। तो गाइस यार ये थी आज की वीडियो एंड आपको वीडियो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बता देना आपको कैसी लगी एंड चैनल पर न्यू तो गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आपको गाइस यहां पर से इंडियन गेम्स के साथ साथ और भी गेम्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि अपकमिंग जो गेम्स होने वाले वारजोन मोबाइल, एपेक्स लेजेंड मोबाइल वगैरह सभी गेम्स आपको गाइस यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एंड गाइस कमेंट में आप जरूर बता देना आप इन तीनों गेम को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो या फिर नहीं हो, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं इन गेम्स को लेकर। तो देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।